सादर जय जिनेन्द्र। कल के वीडियो में हमने ये जाना कि सामायिक प्रतिक्रमण और तपस्या धर्म के साधन मात्र हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि वास्तविकता में धर्म क्या है। आइए आज इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। जब मैं अपने भावों को निर्मल कर रहा होता हूँ, जब मैं राग द्वेष को कम कर रहा होता हूँ, जब मैं विकारों को कम कर रहा होता हूँ, जब मेरे मन में छोटे और बड़े सभी जीवों के प्रति समानता के भाव होते हैं वास्तविकता में, तभी मैं धर्म कर रहा होता हूँ। अब आप कहेंगे कि सामयिक की क्रिया में हम ये सब काम ही तो करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ग्रस्त जीवन में मेरे लिए शायद ये संभव नहीं है कि मैं हमेशा सामयिक करूँ। लेकिन अपने भावों को निर्मल करना, अपने राग द्वेष को कम करना, विकारों को कम करना, ये मेरे हाथ में है और सही अर्थों में देखा जाए तो वही धर्म है। इससे थोड़ा और आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जब मैं अपने पापों को जान रहा होता हूँ, या फिर जब मैं ये जान रहा होता हूँ कि मैंने ये गलतियाँ की हैं, मुझे इन गलतियों को भविष्य में नहीं दोहराना है और इन गलतियों का सुधार करना है, तब शायद मैं धर्म ही तो कर रहा होता हूँ। जब मैं किसी से क्षमा मांग रहा होता हूँ, ये सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जब मैं किसी से क्षमा मांगता हूँ तो वहाँ सीधी चोट मेरे अभिमान को पहुँचती है, वो अभिमान मुझे ऐसा करने से रोकता है। तो क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये शायद सबसे बड़े धर्म है। तो इन प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से मैं ये समझ पाऊंगा कि किस तरह से मैं अपने दैनिक जीवन में धर्म को अपना सकता हूँ। अब बात करें कि जब मैं किसी चीज का त्याग कर रहा हूँ, या जिस चीज की मुझे आवश्यकता है उसका मैं उतना उपभोग नहीं कर रहा हूँ, या मेरे हक की चीज मैं किसी और को दे रहा हूँ, तब भी तो मैं धर्म ही कर रहा हूँ। हमेशा मेरे लिए शायद तपस्या करना संभव नहीं, और अगर मैं बात करूँ प्रतिक्रमण की, तो शायद मैं इसे रोज नहीं कर सकूँ, शायद मैं इसे सप्ताह में एक बार करूँ, महीने में एक बार करूँ, या पयुषण के 8 दिन करूँ, या फिर संवत्सरी को करूँ। लेकिन अगर मैं अपने पापों को जान रहा होता हूँ और अपनी आत्मा को ये वचन देता हूँ कि ये पाप, ये कार्य जो मैंने गलत किए हैं, मैं आगे से नहीं करूँगा, तो शायद उस समय मैं धर्म ही तो कर रहा हूँ। यही तो धर्म की प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। माना अगर हम धर्म को एक क्रिया समझते हैं, तो शायद हमारे लिए उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमने धर्म को एक कला बना लिया, तो शायद हम उसे बहुत आसानी से फॉलो कर पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। अब हम इस धर्म को कला कैसे बनाएं, उसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।